सगळ्यांनी इकडे बघायचं, काका कॉलर नीट करा. तयार सगळेजण, इकडे बघायचं माझ्याकडे, हसा. तो हमारे साहब एक लेखक थे जिन्हें लिखते वक्त ब्लैक कॉफी पीना पसंद था. और हमारी मैम साहब को पौधों से बहुत प्यार था, खास करके अपने सूरजमुखी से. अच्छा है ना? अच्छा है. साहब दिन भर लिखा करते थे और मैम साहब अपने पौधों का ख्याल रखती थी. हाँ, पर जो भी कहानियां साहब लिखा करते थे साहब उन सब कहानियों में हुआ करती थी. जैसे कि अकेले रहने वाली वैज्ञानिक की कहानी, जो मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश करती रहती है. सात पन्नों वाली कहानी जिसमें एक नर्स को अपने मरीजों को तड़पाने में सुकून मिलता है. नर्स, बहुत दर्द हो रहा है नर्स. वेट करो. आ, आ,